नमस्कार, मैं हूं कनक झा और आप सब देख रहे हैं अखंड भारत। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। साथियों, जानकारों का कहना है कि कोरोना की ये नई लहर पिछले बार के मुकाबले ज्यादा गंभीर है। इसके कारण संक्रमण की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हमें ज्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पुलिस के हमारे कुछ साथी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। पुलिस कर्मियों का कोरोना से उत्पन्न स्थिति से निपटने में अहम योगदान रहा है। दिल्ली पुलिस कर्मी इन परिस्थितियों में भी अपने को घर में सीमित नहीं रख सकते। हमें इस कोरोना वायरस की लड़ाई में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कोरोना वायरस से अपना बचाव भी करना होगा। एक दूसरे के साथ काम करते हुए, जनता के बीच जाते हुए, वेरिफिकेशन करते हुए, चालान काटते समय, पिकेट पे ड्यूटी देते समय, अस्पताल में आते जाते वक्त कोरोना से संक्रमित होने की काफ़ी संभावना बनी रहती है, परंतु एहतियात बरतने से इस संभावना को कम किया जा सकता है। आप अपने चेहरे पर N95 मास्क या 3-ply सर्जिकल मास्क लगा कर रखें। पतले कपड़े से बना हुआ मास्क आपके लिए शायद पर्याप्त ना हो। कम से कम 2 परतों वाले मास्क को अवश्य पहने। हमें एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर ही काम करना चाहिए, अन्यथा यह हानिकारक सिद्ध होगा। अपने कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें व अपने कार्यस्थल या वाहन आदि को सैनिटाइज करें और अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते रहें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों जैसे आयुर्वेदिक काढ़ा, विटामिन सी, जिंक टैबलेट आदि का नियमित सेवन डॉक्टर की सलाह लेकर करते रहें। स्वस्थ रहने के लिए योग और व्यायाम भी नियमित रूप से करें। यह ध्यान रखें कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आप कोई लापरवाही न करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों, सामाजिक कार्यक्रमों से बचें। यहाँ तक कि अपनी ड्यूटी के दौरान भी सामाजिक दूरी बनाकर रखें। हमें अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान परस्पर रखना चाहिए। आप सुरक्षित रहकर ही दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। आपको यह बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि आपके सामने वाला संभवतः कोरोना से संक्रमित हो सकता है। किसी भी यूनिट का कर्मी अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो इसके लिए हमने यूनिट के सीनियर ऑफिसर के साथ साथ पुलिस मुख्यालय के अफसरों की भी सेवाएं निर्धारित की हैं, ताकि अच्छा इलाज हो सके और अस्पताल में बेड मिलने में परेशानी न हो। पूरा दिल्ली पुलिस विभाग आपके साथ खड़ा है। इसके लिए 7 व 22 मई 2020 को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किए गए थे। कोरोना को दिल्ली पुलिस परिवार में फैलने से रोकने व उसके बचाव के लिए सर्कुलर नंबर 7/2020 में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने को और अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखें। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इन निर्देशों के अलावा भी जो भी आप उचित समझते हैं, एक जिम्मेदार अफसर होने के नाते वो कदम आप अवश्य उठाएं, जिससे इस महामारी से सभी का बचाव हो सके, हमारा दिल की पुलिस के स्वरूप में बढ़ोतरी हो सके। मैं आपको आपकी मेहनत के लिए बधाई देता हूं और आपकी व आपके परिवार की अच्छी सेहत की कामना करता हूं। जय हिंद। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट।